नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर देश विदेश के भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मंदिर 2500 सालों में एक बार आने वाले भीषण भूकंप को भी झेल सकता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान से संबद्ध केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने अयोध्या के मंदिर स्थल पर कई वैज्ञानिक अध्ययन किए हैं, जिनमें भू तकनीकी विश्लेषण, नींव डिजाइन पुनरीक्षण और 3D संरचनात्मक विश्लेषण और डिजाइन शामिल है। ऐसे में राम मंदिर को भव्य आकार देने में वैज्ञानिकों का विशेष योगदान दोस्तों रहा है। लेकिन तब क्या हुआ जब अयोध्या राम मंदिर में नासा के वैज्ञानिकों को मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज विज्ञान भी सनातन के सामने झुकने वाला है। क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब भी सनातन ही था। आजकल के वैज्ञानिक कई बार प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने की कोशिश करते हैं। उनका मानना होता है कि रामायण तो कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन जब अनुराग वर्मा नाम के वैज्ञानिक राम मंदिर पहुंचे तो उनके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिसके बारे में जानकर दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। राम मंदिर बनना हम सभी सनातनियों के लिए एक सपना था, और जब 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई झूम रहा था और अपने घर में दीपावली मना रहा था, क्योंकि ये 500 साल के संघर्ष का नतीजा था। और इस पूरे घटनाक्रम से हमें ये समझ आता है कि अगर आप सच्चे हैं और सत्य के साथ खड़े हैं तो आपकी कभी पराजय नहीं हो सकती। और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, लाखों श्रद्धालु रोजाना रामलला के दर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अनुराग वर्मा नाम के एक वैज्ञानिक, जिन्होंने अमेरिका से विज्ञान की पढ़ाई की और नासा में कई सालों तक वैज्ञानिक के तौर पर रहे, उनकी बुद्धि पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता की हो चुकी थी। वो अपने इष्ट को भूल चुके थे और केवल विज्ञान को ही अपना भगवान मानते थे। उनका ऐसा कहना था कि भगवान होते ही नहीं है, जो भी केवल विज्ञान है और ये दुनिया विज्ञान के सहारे ही चल रही है। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में उन्हें जीवन का बहुत बड़ा सबक मिलने वाला था, क्योंकि जब वो कुछ दिन छुट्टियां मनाने के लिए भारत में अपने घर दिल्ली आए हुए थे तब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ और अगले ही दिन से आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए भीड़ लग गई। सुमेश शर्मा का पूरा परिवार प्रभु श्री राम को बहुत मानता था और नवीन राम मंदिर को देखने के लिए उनके परिवार जन बहुत ही उत्साहित थे, तो सभी ने आग्रह किया कि एक साथ मिलकर सबको राम मंदिर देखने जाना चाहिए। लेकिन अनुराग वर्मा इस बात से राजी नहीं थे, लेकिन बच्चों के कहने पर वो राजी हो गए। लेकिन अभी भी मन में केवल द्वेष भावना थी। अनुराग जी आज से 15 साल पहले अयोध्या आए थे। उस समय अयोध्या फैजाबाद कहलाती थी और यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी। लेकिन जब वो साल 2024 में अयोध्या पहुंचे तो वहां की भव्यता को देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। जगह जगह स्वच्छता फैली हुई थी, जगह जगह पर भगवान श्री राम और रामायण से संबंधित कलाकृति बनाई हुई थी। चाहे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, सब कुछ भगवा रंग में रंगा हुआ था। ऐसा लग रहा था प्रभु श्री राम का ये मंदिर अपने साथ अयोध्या का विकास भी लेकर आया है। लेकिन अनुराग जी तो अपने विज्ञान को लेकर बैठे हुए थे। वो रामलला की उस मूर्ति को केवल एक पत्थर की मूर्त मानते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई भक्त अपने भगवान को नहीं मानता तो उसे सही रास्ते पर लाने का काम भी भगवान खुद करते हैं। जब अनुराग जी ने देखा कि राम मंदिर के अंदर जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ है तो उन्होंने अपने परिवार को आगे कर दिया और खुद पीछे लौट रहे थे। लेकिन उनका परिवार नहीं माना और उन्हें जबरदस्ती राम मंदिर की लाइन में लगवाया। जैसे राम मंदिर में आगे बढ़ रहे थे, भक्तों की प्रभु श्री राम की प्रति आस्था देखकर वो काफी हैरान थे, क्योंकि लोगों के अंदर अपने आराध्य की वजह से हिम्मत थी, जीवन में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा थी। लेकिन अभी भी वो विज्ञान पर ही टिके हुए थे, क्योंकि वो एक नासा के वैज्ञानिक थे। तभी 4 से 5 घंटे लाइन में लगकर वो रामलला के दरबार में पहुंचे। वहां पर उन्होंने अचानक एक बड़ा चमत्कार देखा। उन्हें दक्षिण द्वार की ओर से एक बंदर आता हुआ दिखाई दिया, जो मंडप से होते हुए सीधा रामलला के चरणों में जाकर के बैठ गया। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना था कि साक्षात हनुमान जी अपने प्रभु के दर्शन करने आए थे।
अनुराग जी ने जब ये देखा तो उन्होंने पाया कि प्रभु श्री राम के प्रति आस्था केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि जानवरों में भी है। यहाँ पर उनके अंदर बदलाव की सबसे पहली झलक नजर आ रही थी। इसके बाद अचानक ही उनका पर्स कहीं पर गायब हो गया। जब वो राम मंदिर से बाहर आए तो अपने परिवार वालों को उन्होंने बताया तो उनके परिवार वालों का कहना था कि आप चिंता मत करो, प्रभु श्री राम आपका पर्स जरूर लौटा देंगे। तो अनुराग जी का कहना था कि मेरा पर्स तुम्हारे भगवान दरबार में चोरी हो गया, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। लेकिन उनकी एक बेटी ने कहा कि कल मैंने आपके पर्स के अंदर एक छोटी सी हनुमान चालीसा रख दी थी, यकीन मानिए किसी न किसी तरह आपका पर्स पुनः जरूर मिलेगा, आप प्रभु श्री राम पर भरोसा रखिए। फिर सभी लोग इंतजार करने लगे और इधर उधर पर्स को ढूंढने लगे। तभी वहां पर एक और बड़ा चमत्कार हुआ। वही बंदर जो दक्षिण द्वार से गर्भगृह में गया था वो अनुराग जी का पर्स हाथ में लिए हुए दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने उस बंदर को एक केला दिया और उसने उनका पर्स लौटा दिया। सभी लोग इससे प्रभु श्री राम का चमत्कार मान रहे थे। अनुराग जी भी हैरान थे लेकिन अभी भी विज्ञान उनके ऊपर हावी था। वो इस घटना को केवल एक संयोग की तरह देख रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी सदमे में चले गए। अचानक उस परिवार की छोटी बच्ची काजल कहीं गायब हो गई। उस समय वहां भीड़ का काफी माहौल था जिस वजह से अचानक वो कहीं गुम हो गई। सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे लेकिन उसका कोई पता नहीं लग पा रहा था। कई घंटों तक उसकी खोजबीन जारी रही। पुलिस को भी उसके बारे में बताया गया लेकिन सब थक हार चुके थे। अनुराग जी उस बच्ची से बहुत प्यार करते थे। जब कई प्रयास करने के बावजूद भी काजल नहीं मिली तो उनका पूरा परिवार प्रभु श्री राम से विनती करने लगा तो अनुराग जी भी पिघल गए। उन्होंने रामलला से कहा कि अगर हमारी बच्ची सही सलामत मिल गई तो मैं मान जाऊंगा कि इस दुनिया में भगवान का अस्तित्व है और मैं फिर कभी भी सनातन धर्म पर शक नहीं करूंगा। जिसके 15 मिनट बाद फिर एक चमत्कार हुआ जिसमें वही बंदर उस बच्ची की चप्पल के साथ दिखाई दिया। सभी लोगों ने देखा कि ये तो काजल की चप्पल है तो सब उस बंदर का पीछा करने लगे। तकरीबन आधा किलोमीटर दूर उसने वो चप्पल एक रेस्टोरेंट के बाहर जाकर छोड़ दी। जब सभी उस रेस्टोरेंट के अंदर गए तो वहां उन्हें काजल बहुत डरी हुई सहमी हुई बैठी मिली, लेकिन उसे पाकर सबकी जान में जान आ गई। अनुराग जी को उस बंदर ने आज 3 चमत्कार दिखाए थे। इसके बाद वो भी समझ गए कि यहाँ कोई तो शक्ति है जो इतने बड़े संसार को चला रही है। वे प्रभु श्री राम के चरणों में झुक गए और सदैव के लिए उन्हीं के बनकर रह गए। अर्थात आज नासा का एक वैज्ञानिक भी प्रभु श्री राम के चमत्कार के सामने अपने घुटने टेक चुका था। अयोध्या के राम मंदिर आना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था क्योंकि यहीं आकर उन्हें अपने धर्म का ज्ञान हुआ और भगवान की प्राप्ति हुई। विज्ञान अपनी जगह सही है लेकिन धर्म में आस्था रखना, भगवान के प्रति विश्वास रखना भक्त को एक विश्वास देता है, एक हिम्मत देता है जिसके बल पर वो जीवन में जरूर कुछ बड़ा करता है। जब से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ तब से कई चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब राम युग आ गया है क्योंकि इस भव्य मंदिर के साथ अयोध्या का रूप रंग भी पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन जब हम सोचते हैं उन कार सेवकों के बारे में जिन्होंने हंसते हंसते अपने सीने पर गोली खा ली तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि अगर आज वे इस दृश्य को अपनी आंखों से देखते तो बात कुछ और ही होती। लेकिन ये जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है ये उनके ही बलिदान का प्रतीक है। कई साधु संतों ने प्राणों का बलिदान दिया तब जाकर आज हमें ये दिन देखने को मिला है। साथ ही साथ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद अब तैयारी है काशी और मथुरा की, यानी कि अब सनातन धर्म का बिगुल बज चुका है और जल्द मथुरा की बारी भी आने वाली है। भारत में कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण हुआ और अब हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। आपको बता दें हिंदू परिषद ने 1989 में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद राम मंदिर देश की राजनीति का हिस्सा बन गया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद राम मंदिर का मामला अदालत में पहुंचा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनवाया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट और भव्य राम मंदिर में रोशनी से जगमगाने लगा है। अयोध्या में राम भक्त उत्साहित हैं। हाईटेक अयोध्या रेलवे स्टेशन देखते ही बन रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश से श्रद्धालुओं का दोस्तों आना बढ़
बढ़ गया है, इसीलिए जगह जगह मल्टी लेवल पार्किंग भी बनकर तैयार है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।